जो दरिंदर शास्त्री नाम का बंदा एक गोल्डन टैंपल विखे आया सी, दुर्गैणा मंदिर आया सी, उत्थे आ के जो साडा पवित्र लफ्ज़ है हालेलुया दा उनू तोड़ मरोड़ के बड़ी अश्लीलता दे नाल ने पेश कीता। पंजाब में हम हलीउल्लाह वालों को नहीं रहने देना चाहते। दरिंदर शास्त्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और जिहड़ा बाबा बगेश्वर ने यह शब्द बोलिया, असी पूरा समाज साडा मसीह पूरा समाज इहदी घोर दिंदिया करदा, ते असी इहदे कोलों इही चाहुंदे, अपने प्रशासन दे कोलों इही चाहुंदे आ कि बाबा बगेश्वर ते बंदे कानूनी कार्रवाई की। हालेलुया, हालेलुया। जिहड़ा हालेलुया वाले आ इन्हां नूं मैं टिकन नहीं देना, ठठरियां दा मतलब इहदा जिहड़ा वा भी ठठे च उडावांगा, उहनां दी चिता जलावांगा, इहने शब्द बोल लिया। पंजाब में हम हलीउल्लाह वालों को नहीं रहने देना चाहते। सारे मेरे वालों जैमसी दी, मेरा नाम जतिंदर मसीह गौरव है, मैं ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी का राष्ट्रीय प्रेजिडेंट हाँ। अज असी इतने DCP साहब विखे आए हैं क्योंकि पिछले दिनों के जो दरिंदर शास्त्री नाम का बंदा एक गोल्डन टैंपल विखे आया सी, दुर्गैणा मंदिर आया सी, उत्थे आ के जो साडा पवित्र लफ्ज़ है हालेलुया दा उन्हूं तोड़ मरोड़ के बड़ी अश्लीलता दे नाल ने पेश किया, जिहदे नाल पूरे मसीह भाईचारे के हिंदरे हिरदे जिहड़े आ वरुंदरे गए ने। और मैं अज मंग करदा प्रशासन कोल क्योंकि पिछले दिनों के साडे पंजाब के जिहड़े CM ने उन्होंने एक बयान दिता सी भी जिहड़ा भी बंदा पंजाब दे विच हेट स्पीच करेगा जां किसी भी धर्म के खिलाफ बोलेगा और ते जिहड़ी बनदी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अज ये बंदा बाहरों आ के जिहड़ा पंजाब का माहौल खराब कर रहा वा, जो पंजाब दे विच जिहड़ी शांति आ उन्हूं खराब कर रहा वा, आपसी भाईचारक सांझ नूं खराब कर रहा। अज असी पंजाब दे विच पूरा सिख भाईचारा, ईसाई भाईचारा, हिंदू भाईचारा, SC भाईचारा, मुसलमान भाईचारा बड़े प्यार दे नाल, बड़े सत्कार दे नाल असी रह रहे हैं। और ये बंदा जिहड़ा बाहरों आ के 3 दिनों का प्रोग्राम पंजाब च कर रहा और जिथे भी जा रहा यह हालेलुया शब्द नूं मसीह भाईचारे नूं पूरा टारगेट कर रहा। और मैं अज मैनूं शर्म महसूस हो रही आ भी इहो जिहे बंदे जिहड़े ने इह किसे भी धर्म दे नहीं हो सकते, क्योंकि जिहड़े हिंदू धर्म दे जिहड़े साडे भरा ने, साडा उहनां दे नाल वपार सांझा वा, साडा उहनां दे नाल विआह शादियां ते असीं आउंदे जांदे आ, एक दूजे दे नूं असीं दुख सुख दे भाईवाल आ, मगर इह बंदा अपने आप नूं हिंदू भाईचारे दा शास्त्री कहिंदा वा और बाबा जिहड़ा दुनिया नूं लुट रिहा और हुण जिहड़ा वा इह मसीह भाईचारे नूं टारगेट कर रिहा और मसीह भाईचारे दे विच और हिंदू भाईचारे दे विच डिफरेंसिस बना के रख रहा है। ये चाहुंदा है पंजाब दा माहौल खराब होवे और इत्थे दंगे होण। इस बंदे दी कदी भी असीं मनशा पूरी नहीं हो देवांगे। असीं जिहड़े आला अधिकारी उन्हां नाल गल कीती आ, मेरी CP साहब नाल भी गल होई आ और DCP साहब नाल भी गल होई आ, असीं उन्हां नूं जिहड़ा मंग पत्र अपना देता वा और उन्होंने कहा भी जिहड़ी बनदी कानूनी कार्रवाई आ बहुत जल्दी ते कीती जाएगी। अज पूरा जिहड़ा मसीह भाईचारा वा इस बंदे दे उपर कानूनी कार्रवाई की मंग कर रहा। जी मंगा तो साड़ियाँ कुछ भी नहीं है, साड़ी मंग यही है भी असी किसी नूं मसीह भाईचारा तंग नहीं करता। जिहड़ा मसीह भाईचारा वा बहुत शांति पसंद है, लोग हैं दसां नौवां की किरत कमाई करने वाले लोग हैं। असी कभी दंगे दे विच विश्वास नहीं रखते, कभी प्रोटेस्ट करने विश्वास नहीं रखते, असी बड़े शांतिपूर्वक तरीके रहने वाले लोग हैं। मगर जो इदा के शैतान लोग, इदा के गंदे लोग आ के साडे भाईचारे नूं जिहड़ियां गलत गल्लां करते हैं और साडे भाईचारे के खिलाफ बोलते हैं, फिर जिथे असी शांति पसंद है उत्थे असी क्रांति पसंद भी हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੂਸ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ DCP ਭੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਲੂਕਸ ਮਸੀਹ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੱਕੂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ
और पहुँच के उन्होंने जदों मत्था टेक के बाहर निकले आ, बाहर निकल के जदों उन्होंने मीडिया के नाल गलबात की आ, और मैं कहांगा साफ लफ्ज़ां दे विच कि एक बच्चा जिहड़ा आ वो अपनी सोच नूं विखाउंदा आ, अपने शब्दों तो पचल हो गया और उसने साडा एक पवित्र शब्द आ बाइबल का हाले लुईया जिन्हों उसने बड़े ही की कहिंदे आ मंदभागे ढंग दे नाल बोल के एक सानू वार्निंग दिती आ हिसाब दे नाल कि जिहड़ा हाले लुईया वाले आ इन्हां नूं मैं टिकन नहीं देना, ठठरियां का मतलब यदा जिहड़ा वा भी ठठे च उडावांगा, उन्हां दी चिता जलावांगा, इहने शब्द बोलिया और बड़ा मंदभागा। और देखो जे उस जगह तो आण के बोलिया कि ज सचखंड श्री हरिमंदर साहब आके जिते दे चार दरवाजे आ सारे धर्मां नूं उत्थे बराबर का देखा जाता, सत्कार किया जाता और सारे ही धर्मां दे लोग उस जगह पर जाते हैं। जे उस जगह पर आ के इस बंदे ने इदां दा कोई शब्द बोलिया वा तो मैं ये समझदा कि सब तो पहला उदों ही इहनूं बाहों फर के जिहड़े साडी उतों दी एस जी पी सी आ उहनां नूं इहनूं डांटना चाहीदा सीगा कि तू ये जिहड़ा शब्द बोलिया वा इहदे ते तैनूं हुणे ही जिहड़ी आ माफ़ी मंगनी चाहीदी आ। सो साडे मीडिया वीरां ने उत्थे मौके ते इहनूं सवाल किते कि तुसीं ये जिहड़ा हाले लुईया बोलिया शब्द और ठठरियां बोलिया इहदा मतलब की आ, उस शब्द नूं इहने गोलमोल किया। उस तो बाद जिहड़ा ये दुरग्याणा मंदिर भी गए आ, दुरग्याणा मंदिर भी जाके इन्होंने यही शब्द जिहड़ा वरत्या वा। उस तो बाद पठानकोट गए आ, पठानकोट भी ये शब्द वरत्या वा। मसीह भाईचारे दे विच इस वेले पूरा रोश आ कि पवित्र इलाही शब्द नूं जिहड़ा इहने माड़ा बोलिया वा, और कार्रवाई हेतु असी डी सी पी साहब नूं मिले हाँ अमृतसर सिटी दे नूं, और मिल के उन्होंने विश्वास दिता है कि जल्द तो जल्द जी ये ते कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यहोजे जिहड़े शरारती बंदे ने जिहड़े खास तौर पर कोई भी मूँह चुकता तो पंजाब दे विच आके कह दिता कि मैं इंजा मैं उंजा माहौल खराब करने की कोशिश करता, क्योंकि आ जिहड़े हुण समा चल रहा है फैसटिवल का समा आ, दशहरा आ, श्री वाल्मीकि जयंती आ, उस तो बाद दिवाली आ, ये बिल्कुल लोगों को डिस्टर्ब करन और माहौल खराब करने शरारती बंदा इस पंजाब दे विच आया। और जिहड़ा तीन दिन का प्रोग्राम है पठानकोट दे विच, असीं कहिंदे आ भी वह भी प्रशासन नूं बंद करना चाहिए, और जिहड़ी संगत है को जिहड़े प्रवचन सुनन आउंदे आ उहनां नूं भी मैं कहांगा, एक बेनती करांगा कि आने वाले समय दे विच तुहाडे बच्चों भी ये इदां दी शरारत भरी देश विरोधी समाज विरोधी जिहड़ी आ इह तां उहनां नूं सिख्या दऊगा। सो सारिआं नूं इहदे तों दूरी बनाउणी चाहीदी आ और इहदे प्रवचनां ते कदी भी ध्यान नहीं देना चाहीदा।